ਨਗਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦੇਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 1 ਘੰਟਾ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਟੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। दविंदर वशिष्ठा जी, मेरा नाम है, इतने ब्रांच हैड है। ब्रांच है पी एन बी, पहले ओ बी सी सी ब्रांच है। अज एक कर्मचारी ने सफाई की है अंदर ब्रांच के, बाहर आके देखा ए टी एम एकदम धुआं जहा निकलिया बड़ा, तो इमीडिएटली उन्हें इनफॉर्म किया। सारा स्टाफ इतने पहुँच गया 5-10 मिनट आस पास के जोड़े सके साढ़े पड़ोसी, इन्होंने आए, इन्होंने तब तक कार्रवाई कर ली। पानी पुनी भजाना शुरू करता ही, पानी सुटता ही, इतने फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, पर फायर ब्रिगेड से ही मेरे ख्याल से दीनानगर अवेलेबिलिटी नहीं हैगी, पठानकोटों या गुरदासपुरों आती है पता लगा। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे दे, वो जायजा लै रहे हैं। तो फिलहाल तो इदा ही जी इस वे असैसमेंट अजी होएगी यदि। तो देखो हूँ कैश का तो मैं लगता ए टी एम का कैश तो सुरक्षित हैगा, ए टी एम उतनी कोई यहोजी अग नहीं लगी। बाकी हम खोलेंगे जो फिर एक्चुअल अग इतना ही है जी, कोई पता नहीं हूँ अग लग गई, कोई ए सी वगैरह सड़े है अंदर, ए सी वगैरह सड़े है, और शॉर्ट हो सकता शॉर्ट सर्किट हो। मैं इस वे सवेरे ही है जी, देखो साढ़े सफाई जी शुरू करती, उन्हें 9:45 बजे कहती मैं आई हाँ, 9:10 तक मैं पहुँच गया, उदों तक इतने सारे लोग इकट्ठे थे। तो अंदर ब्रांच से कोई नहीं हैगी योजी गल, तो 5-7 मिनट ही होया सारा कुछ, तो 5-7 मिनट इस करके ये सारी जी अग जी बुझा दी गई, क्योंकि पड़ोस ने बड़ा सहयोग किया, बाकी स्टाफ भी सारा इतने लगा रहा। तो अग बुझ गई, कोई नुकसान छोटा जहा हो तो जरूर है, बट इट्स अ फायर इंसीडेंट। रजिंदर कुमार जी, की गल बात है? मैं घरों आ रहा है, अगर मैडम ने दुकान बैक डब्बा खोलिया, अंदर धुआं धुआं है, तो मैंने उन्हें कहा भी ए टी एम खोलो, खोलिया बुआ अंदर अग लगी थी। बैंक खबर देखने दे चैनल जन कल्याण टीवी सबसक्राइब करना ना भुलियो, बैल आईकॉन भी ऑन कर दो, ताकि जो भी असीं नवीं तो नवीं कोई न्यूज़ अपलोड करिए तो उसकी नोटिफिकेशन तक जल्द पहुंच जाए। सो सब्सक्राइब जन कल्याण टीवी।